गुड मॉर्निंग क्लास, दिस इज़ आर फोर्थ क्लास ऑफ ईयर इन विच वी विल स्टडी अबाउट द फिजियोलॉजी ऑफ ईयर. फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी द फिजियोलॉजी ऑफ मिडल ईयर. इन आर प्रीवियस क्लास वी स्टडीड द एनाटॉमी ऑफ आउटर ईयर, मिडल ईयर एंड इनर ईयर. अभी तक ईयर की जो स्ट्रक्चर्स थी, क्योंकि हमने पढ़ा था भाई इनर ईयर है, मिडल ईयर है, आउटर ईयर है, इस तरह से हमने ईयर को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया था. और ये एनाटॉमी थी ईयर की जो हमने अब तक की अपनी तीन क्लासेस में पढ़ा है. तीनों को अपन ने बहुत डिटेल में पढ़ा है. आउटर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, मिडल ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं, इनर ईयर में कौन कौन से पार्ट्स आते हैं. तो अपने जो जनरल एनाटॉमी थी और जो जनरल उसके साथ में फिजियोलॉजी थी, उसके साथ जो चीज़ें जुड़ी हुई थी कि कैसे वो वर्किंग कर रहे हैं, उनका कोऑर्डिनेशन कैसे हो रहा है, वो चीज़ें हमने अपनी उन प्रीवियस क्लासेस में पढ़ ली हैं. अब हम इनकी थोड़ी सी इंडिविजुअल फिजियोलॉजी पढ़ लेते हैं, क्योंकि देखिए आउटर ईयर की तो फिजियोलॉजी हमने साथ में ही पढ़ ली थी, इसलिए हमारे को उसको अलग से कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है. उतनी उसके लिए सफिशिएंट है, क्योंकि उसका काम है साउंड वेव्स को मिडल ईयर तक भेजना. और मिडल ईयर में हमने पढ़ा था भाई ऑसिकल्स होते हैं और वो बड़े अच्छे से फंक्शन करके उस साउंड वेव्स को, उन वाइब्रेशंस को हमारे इनर ईयर तक भेजता, इनर ईयर में फ्लूड भरा हुआ रहता है. ये चीज़ हम पढ़ चुके हैं. आज हम मिडल ईयर की फिजियोलॉजी पढ़ें तो देखिए सबसे पहले कि इसके क्या क्या काम होते हैं, मिडल ईयर क्या क्या काम करता है. तो मिडल ईयर के जनरली जो फंक्शंस हैं वो तीन तरह के फंक्शंस होते हैं. सबसे पहला कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी का ये काम कर रहा होता है. दूसरा इसका फंक्शन होता है कि ये इनर ईयर को प्रोटेक्ट भी कर रहा है, क्योंकि इनर ईयर सबसे अंदरूनी पार्ट है, उसके बाहर मिडल ईयर है और मिडल ईयर के बाहर हमारा आउटर ईयर जो ईयर पिन्ना है. तो मिडल ईयर का पहला काम है ये एनर्जी को कॉन्सनट्रेट करता है, दूसरा काम है हमारे इनर ईयर को प्रोटेक्ट करता है, और तीसरा काम है कि ये कोऑर्डिनेशन बिठाता है हमारी हियरिंग के साथ में, कि जो शब्द बोले गए हैं वही शब्द हमारे को अच्छे से सुनाई दें, क्लियरली सुनाई दें. तो कोऑर्डिनेशन का काम भी जो है वो मिडल ईयर ही कर रहा होता है. तो मेन तीन फंक्शंस हैं मिडल ईयर के, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी, प्रोटेक्शन ऑफ इनर ईयर एंड थर्ड वन इज कोऑर्डिनेशन विद हियरिंग. अब सबसे पहले कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी क्या है, क्योंकि हमने कहा भाई मिडल ईयर का जो मेन पार्ट है वो ऑडिटरी ऑसिकल्स से मिलकर के बना होता है. ये ऑडिटरी ऑसिकल्स जो हैं वो हमारे वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम की एनर्जी को कॉन्सनट्रेट करने का काम कर रहा है. ईयर ड्रम, हमने मिडल ईयर से पहले जो पार्ट पढ़ा था वो ईयर ड्रम ही था. जब साउंड वेव्स आती हैं तो ईयर ड्रम पे स्ट्राइक करती है और ईयर ड्रम जो है वो वाइब्रेट करना स्टार्ट करता है. तो वो जो ईयर ड्रम की वाइब्रेटिंग हो रही हैं उससे जो एनर्जी जनरेट हो रही है उसको कॉन्सनट्रेट करने का काम मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स का होता है. और ये कॉन्सनट्रेशन इसलिए होता है ताकि वो एक जगह कॉन्सनट्रेट होगी तो वो फोर्सफुली ओवल विंडो के ऊपर स्ट्राइक कर पाएंगी, क्योंकि हमने कहा साउंड वेव्स आउटर ईयर से आ रही हैं मिडल ईयर तक, मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स उनको एक पूरे रिदम के साथ में आगे लेकर के जाती हैं और ओवल विंडो के ऊपर उसको छोड़ती है, और ओवल विंडो से होकर के वो साउंड वेव्स जो हैं वो अंदर इनर ईयर में जहाँ फ्लूड भरा हुआ है उस फ्लूड को वाइब्रेट करने का काम करेंगी. फ्लूड में वेव्स की तरह वो चल रही होती हैं, ये चीज़ हमने पढ़ी. तो ओवल विंडो पर तेज़ी से फोर्स उसका लग सके, ये चीज़ हमने पहले पढ़ ली थी अपने पहले वाले स्लाइड्स में, अपनी पहली वाली क्लासेस के अंदर जहाँ मैंने आपको मिडल ईयर पढ़ाया था वहाँ मैंने ये चीज़ आपको बताई थी कि जब साउंड वेव्स आ रही हैं तो सबसे पहले ईयर ड्रम पे स्ट्राइक किया, ईयर ड्रम से वो ऑडिटरी ऑसिकल्स के ऊपर आई, ऑडिटरी ऑसिकल्स से वो ओवल विंडो की तरफ धकेले जाती हैं. तो ये जो ऑडिटरी ऑसिकल से जो वाइब्रेशन आ रही हैं और वो आगे ओवल विंडो तक जा रही हैं, वो ओवल विंडो पर अगर फोर्सफुली एक्ट करती हैं तो ही वो हमारे को सुनाई देती है, तो ही वो इनर ईयर में वाइब्रेशंस पैदा कर पाती हैं या इनर ईयर के फ्लूड के अंदर वो वाइब्रेशंस को जनरेट कर पाती हैं. अगर उनका फोर्स उतना नहीं है जितना रिक्वायरमेंट है, उतना सफिशिएंट अगर फोर्स नहीं तो वो चीज़ हमारे को सुनाई नहीं देगी कि क्या साउंड आ रही है. बस कुछ साउंड आ रही है ऐसा सुनेगा, पर क्या आ रही है, क्या बोला जा रहा है, क्या कहा जा रहा है, हमें पता नहीं चलेगा. तो ये फोर्सफुली होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस फोर्सफुल
स्ट्राइकिंग के लिए ऑब्वियस एनर्जी ज़्यादा चाहिए, तो इस एनर्जी को कॉन्सेंट्रेट करने का काम जो है हमारा मिडल ईयर कर रहा होता है। तो मिडल ईयर क्या कर रहा है कि जो मिडल ईयर में ऑडिटरी ऑसिकल्स हैं उनका काम ये है कि जो वाइब्रेटिंग ईयर ड्रम से जो साउंड वेव्स आ रही हैं उनके एनर्जी को वो कॉन्सेंट्रेट करता है ताकि ज़्यादा फोर्स, ग्रेटर फोर्स ओवल विंडो के पर यूनिट एरिया पे वो लगा सके। तो ये है आपके मिडल ईयर का फर्स्ट फंक्शन। अब आपका सेकंड फंक्शन क्या था कि ये इनर ईयर को प्रोटेक्ट करने का काम करता है। मिडल ईयर का सेकंड फंक्शन क्या है? प्रोटेक्शन ऑफ इनर ईयर। इसमें क्या है कि ऑसिकल्स जो मिडल ईयर के अंदर हैं और उन ऑसिकल से जुड़ी हुई जो मसल्स हैं, उनके आसपास की जो मसल्स हैं, ये प्रोटेक्शन का फंक्शन कर रही होती हैं कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी के साथ में। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनर्जी तो कर ही रही हैं, पहला फंक्शन तो यही है, और दूसरा फंक्शन है कि जो ऑसिकल्स और उनके आसपास की जो मसल्स हैं वो प्रोटेक्टिव फंक्शन भी अपना कर रही होती हैं। कैसे प्रोटेक्टिव फंक्शन करेंगी? जब कोई बहुत तेज नॉइस आ रही है, कोई तेज साउंड आ रहा है जो आपके कानों को नुकसान पहुंचा सकता है, तो उस समय पर उस कान तक, उस नॉइस को उस कान तक जो है वो बहुत आराम से पहुंचाता है, तो तेज़ी से नहीं पहुंचाता। तो जब भी कोई लाउड नॉइस आ रही है तो टेंसर टिम्पेनाई हमने पढ़ा था, ये ईयर ड्रम को पुल कर लेती है अंदर की तरफ और टेंस हो जाती, उसको टेंस कर देती है, ईयर ड्रम को अंदर की तरफ खींच करके पुल करके उसको टेंस्ड कर देती है, जिससे साउंड उतना लाउडली आपके कान तक नहीं पहुंचेगा। कौन से कान तक? आपके इनर ईयर तक नहीं पहुंचेगा, जिससे कि प्रोटेक्शन हो जाएगा। और उसी समय पर स्टेपिडियस जो होती है वो स्टेपिस के मूवमेंट को कम कर देती है। ये दो मसल्स ही हमने पढ़ी थी भाई, हमने ऑसिकल्स पढ़े थे, तीन ऑसिकल्स थे और दो मसल्स थी। दो मसल्स में एक मसल थी टेंसर टिम्पेनाई, दूसरी थी स्टेपिडियस। टेंसर टिम्पेनाई जो है भाई, स्टेपिडियस मैंने आपको पढ़ा था, स्टेपिडियस आपके खुद के वॉइस, अगर क्योंकि आपकी खुद की वॉइस बहुत लाउड होती है, तो खुद की वॉइस को कम करने का काम स्टेपिडियस, और आसपास की वॉइस को, आसपास की नॉइस को कम करने का काम टिम्पेनाई कर रही थी। टेंसर टिम्पेनाई, ये फंक्शन हमने वहाँ भी पढ़ी थी कि टेंसर टिम्पेनाई अगर कोई लाउड नॉइस आ रही है तो आपके ईयर ड्रम को अंदर की तरफ खींच करके उसको टेंस कर देती है, और उसी समय पर स्टेपिडियस जो होती है वो स्टेपिस के मूवमेंट को कम कर देती है, जिससे कि आपका साउंड जो है उतना लाउडली आपके इनर ईयर पर नहीं जाएगा, तो आपके इनर ईयर को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा, आपके ईयर ड्रम को ज़्यादा नुकसान नहीं पहुँचेगा या कान के दूसरे पार्ट्स को नुकसान नहीं पहुँचेगा। अब जैसे ही ये दोनों अपना फंक्शन करेंगी, तो ये जो एक्शंस हैं इन मसल्स के, इनको एक साथ हम टिम्पैनिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ऐसे दोनों अलग अलग फंक्शंस कर रही हैं, पर जब लाउड नॉइस आता है दोनों साथ मिलकर के काम करती हैं। मैंने बताया भाई, स्टेपिडियस तो अलग से कर रही है, आपके खुद की वॉइस को कम कर रही है, और टेंसर टिम्पेनाई बाहर की वॉइस को, पर ज़्यादा तेज़ साउंड है, तो दोनों साथ मिलकर के काम कर रही हैं, और दोनों मसल्स के एक साथ फंक्शन को एक साथ हम टिम्पैनिक रिफ्लेक्स कहते हैं। ये जो रिफ्लेक्स है ये वाइब्रेशन को मफल कर, वाइब्रेशन के ट्रांसफ़र को मफल कर देता है। This reflex muffles the transfer of vibrations from the eardrum to the oval window. Oval window, eardrum से जो oval window तक आपका sound का vibration जो है वो जो जा रहा था, generally जो जाता है उसको muffle कर देगा। तो मतलब वो उतनी तेज़ी से वहाँ नहीं जाएगा और उतना तेज़ी से attack नहीं करेगा। तो ऐसा माना जाता है कि जो टिम्पैनिक रिफ्लेक्स है वो एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन, ये पहले हमारे अंदर नहीं था, पर बाद में जब देखा कि भाई बहुत लाउड नॉइसेस, अगर आजकल जैसे अब डीजे आ गया, पहले एक टाइम पर डीजे कभी नहीं हुआ करता था, पर ये भी आ गया। हालांकि डीजे के टाइम पर नहीं ये इवोल्यूशन हुआ, हुआ तो इवोल्यूशन बहुत पहले, पर ऐसा माना जाता है कि ये एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है ताकि लाउड नॉइस से आपके कानों को बचाया जाए। बट स्लोली बिल्डिंग नॉइसेस सच एज थंडर, तो उस समय पर कौन से लाउड नॉइस हुआ करते थे? जैसे थंडर, कोई तूफान तेज आए, भाई डीजे तो उस वक्त थे नहीं, जबकि हमारे अंदर तो एडेप्टेशन बहुत सालों पहले हो चुका है, तो उतने सालों पहले में थंडर जब आएगा तो बड़े बड़े तूफान, तो हालांकि वो तूफान बहुत लाउड होते थे पर स्लोली बिल्डिंग नॉइस हुआ करते थे। तो इस तरह के नॉइसेस से बचने के लिए एक इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन हमारे कानों ने कर लिया था, जिसको हम टिम्पैनिक रिफ्लेक्स कहते हैं। और ये टिम्पैनिक रिफ्लेक्स किससे मिलकर के बना हुआ है?
दो एक्शन से, एक जो हमारे टिम्पेनाई जो हमारी कर रही थी मसल, और दूसरी जो है हमारी कौन सी मसल है, स्टेपिडियस, ये दोनों मिलकर के कर रही हैं। तो ये हमने दूसरा फंक्शन भी पढ़ लिया। तो अभी तक हमने दो फंक्शन पढ़े, कंसंट्रेशन ऑफ एनर्जी, और दूसरा पढ़ा हमने प्रोटेक्शन ऑफ इनर ईयर, कि कैसे प्रोटेक्शन हो रहा है इनर ईयर का, कि जो साउंड अगर बहुत लाउड आ रहा है तो हमारे जो ऑसिकल्स हैं, जनरली तो ऑसिकल्स ईयर ड्रम से साउंड को खींच करके लेकर के गए ओवल विंडो पर तेजी से फोर्सफुली स्ट्राइक करते हैं, पर अगर लाउड, बहुत ज़्यादा लाउड नॉइस आ रहा है, साउंड आ रहा है हमारे कानों तक, तो हमारी जो ऑसिकल्स के साथ में जुड़ी हुई जो दो मसल्स हैं, टेंसर टिम्पेनाई और स्टेपिडियस, तो टेंसर टिम्पेनाई जो है वो ईयर ड्रम को अंदर की तरफ खींच करके उसको टेंस बना देती है, और स्टेपिडियस जो है वो स्टेपिस के मूवमेंट को कम कर देती हैं। दोनों को एक साथ हम टिम्पेनिक रिफ्लेक्स कहते हैं, और ये रिफ्लेक्स जो है वो वाइब्रेशन के ट्रांसफ़र को मफल कर देती है। जो वाइब्रेशन आपके ईयर ड्रम से ओवल विंडो तक जो ट्रांसफ़र हो रहा था, उस ट्रांसफ़र को इसने मफल कर दिया, जिससे कि उतनी तेज़ी से वहाँ तक नहीं पहुँच रहा है। तो टिम्पेनिक रिफ्लेक्स एक तरह का इवोल्यूशनरी एडेप्टेशन है, ऐसा माना जाता है। हालांकि हाउएवर, बिकॉज इट हैज़ अ टाइम डिले ऑफ अबाउट 40 ms, इट इज़ नॉट क्विक इनफ टू प्रोटेक्ट द इनर ईयर फ्रॉम सडन लाउड नॉइसेस सच एज गन शॉट्स। हालांकि ये प्रोटेक्शन हमारे अंदर चल रहा है, पर गन शॉट्स जब लग रहे, तो आप बंदूक को कभी चला करके देखिए, स्पेशली राइफल को आप चला करके देखिए, तो उससे जो साउंड होता है बहुत ज़्यादा लाउड, और वो एकदम से साउंड होता है, क्योंकि ये जो मैकेनिज्म है इसमें थोड़ा टाइम लग रहा है भाई बेचारा, विद इन अ सेकेंड थोड़े ना ये अपना काम दिखाएगा, विद इन अ सेकेंड ये वर्क, क्योंकि दो दो मसल्स हैं वो वर्क कर रही हैं, तो थोड़ा टाइम लगता है। तो 40 मिनट्स का इसमें टाइम लग जा रहा होता है, या 40 ms का जो टाइम लग रहा है, तो ऐसे में अगर गन शॉट जैसा साउंड है जो कि होता बहुत लाउड है और एकदम से आता है, तो फिर इसमें तो प्रॉब्लम हो जाती है। तो इस समय क्या चीज़, क्या कैसा मैकेनिज्म चलेगा, तो इट ऑल्सो डज नॉट एडिक्वेटली प्रोटेक्ट द ईयर्स फ्रॉम द सस्टेन्ड लाउड नॉइसेस सच एज फैक्ट्री नॉइसेस और लाउड म्यूजिक। तो एक तो गन शॉट वाले साउंड से ये हमारे इनर ईयर को नहीं बचा पाता, बहुत लाउड म्यूज़िक है उससे भी नहीं बचा पाता, या जो फैक्ट्रीज़ में, बड़ी बड़ी फैक्ट्रीज़ के अंदर बहुत बड़ी मशीनें लगी हुई होती हैं और उनसे भी बहुत लाउड नॉइस आता है, तो उससे भी हमारे ईयर का प्रोटेक्शन नहीं होता। तो अगर आप ऐसी नॉइसेस के अंदर अगर लगातार बने रहते हैं, आप लाउड म्यूज़िक रोज़ाना सुन रहे हैं, गन शॉट्स रोज़ाना सुन रहे हैं, फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो ऐसी नॉइसेस जो होती हैं वो हमारे इनर ईयर को डैमेज कर सकती हैं। इनर ईयर की हमने एनाटॉमी पढ़ी थी कि इनर ईयर में हेयर सेल्स पाई जा रही होती हैं, जिनमें स्टीरियोसीलिया हम लोगों ने पढ़ा था, हेयर सेल्स हमने पढ़ी थी, इनर हेयर सेल्स भी होती है, आउटर हेयर सेल्स भी होती हैं, उनमें स्टीरियोसीलिया लगा होता, तो वो स्टीरियोसीलिया डैमेज हो जाता है और उसको दोबारा ठीक भी नहीं किया जा सकता अगर ऐसे नॉइसेस के पास आप हर समय बैठे रहते हैं, हर समय इनके कांटेक्ट में रहते हैं, तो स्टीरियोसीलिया परमानेंटली डैमेज हो जाता है और पर्सन ऐसे केस में हियरिंग लॉस से सफ़र कर रहा होता है, उसको सुनाई नहीं देगा अगर ये परमानेंटली स्टीरियोसीलिया ही डैमेज हो गया। स्टीरियोसीलिया परमानेंटली डैमेज होता है, वो रिवर्सिबल, उसको ठीक नहीं किया जा सकता, इरिवर्सिबल डैमेज है ये। तो स्टीरियोसीलिया जो है वो डैमेज हो जाएगा आपके इनर ईयर का और आपको हियरिंग लॉस हो जाएगा, इसलिए कभी भी लाउड म्यूज़िक हमारे को नहीं चलाना चाहिए। जैसे जो कार वगैरह के अंदर, मोटर कार वगैरह के अंदर जो म्यूज़िक बनता है, कब जो बज रहा होता है, कभी आप उसको देखना कि अगर आपके घर के आसपास वो म्यूज़िक तेज बज रहा है कार के अंदर का, एम्पलीफायर्स उन्होंने लगाए हुए हैं, तो आपके घर के खिड़कियों के जो शीशे हैं वो वाइब्रेट करने स्टार्ट कर देते हैं, तो सोचो कितना लाउड नॉइस उसकी आ रही है। तो जब वो शीशे हिल रहे हैं, जब इस एक बिल्डिंग पर वो इतना बुरा असर दिखा रहा है, तो आप सोचिए जो आपकी बॉडी जो बहुत सेंसिटिव होती है उस पर वो कितना बुरा असर दिखाता होगा। इसलिए हमारे को ऐसे लाउड म्यूज़िक से हमेशा बचना चाहिए। और लास्ट फंक्शन आपके मिडल ईयर का हम देख लेते हैं कि कोऑर्डिनेटिंग स्पीच विद हियरिंग, जो बोला जा रहा है वो वैसा ही सुना जाए, उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत ज़रूरी है। तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम भी आपका मिडल ईयर कर रहा होता है, कोऑर्डिनेटिंग स्पीच विद हियरिंग। अब जो मिडल ईयर में मसल्स हैं,
जिनका जो कि प्रोटेक्शन का काम भी कर रही थी इनर ईयर के, वही मसल्स जो हैं वो स्पीच को हियरिंग के साथ में कोऑर्डिनेशन का काम भी करती हैं। ताकि अब कोऑर्डिनेशन से और एक फ़ायदा होता है, ताकि जो आपका साउंड है, आपकी खुद की जो स्पीच है, क्योंकि आप जो बोल रहे हो आपको उस समय सुनाई भी दे रहा है, और उन दोनों में कोऑर्डिनेशन बैठना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आपकी खुद की स्पीच का साउंड जो है वो इतना लाउड नहीं है कि वो आपके इनर ईयर को डैमेज कर सके। इतना लाउड वो नहीं होता कभी भी, डैमेज कर सके वो हमेशा बाहर का साउंड होता है। तो आपके खुद के इनर ईयर के डैमेज, वो इनर ईयर को डैमेज ना कर सके, इतना लाउड नहीं होता, और वो ड्रॉन आउट सॉफ्ट और हाई पिच्ड साउंड फ्रॉम अदर सोर्सेस। और वो क्या करता है कि दूसरे सोर्सेस से भी अगर कोई साउंड आ रहा है, कोई सॉफ्ट साउंड आ रहा है, कोई हाई पिच्ड साउंड आ रहा है, उसको भी साथ में लाता है। मतलब आप खुद भी बोल रहे हो, आपको उस समय मीनवाइल दूसरी भी आवाज़ें सुन रही होती है, तो फिर ये क्या चीज़ है? ये कोऑर्डिनेशन ही तो हुआ कि आप अगर थोड़ा सा कॉन्सनट्रेट करें तो आप खुद बात करते समय दूसरे की बात भी सुन सकते होते हैं। ऐसा नहीं कि हम बोल रहे हैं हमें दूसरे का शब्द ही सुन नहीं रहा, समझ में आ रहा है नहीं आ रहा, वो फिर भी एक अलग चीज़ है, पर हमें सुनाई दे रहा होता है, और थोड़ा सा ध्यान दें तो हम समझ भी सकते हैं कि क्या चीज़ चल रही है। तो एक कोऑर्डिनेशन बिठाने का काम जो है वो आपके मिडल ईयर की मसल्स कर रही होती हैं। जैसे कि हम जस्ट बोल रहे हैं, जस्ट एज वी आर अबाउट टू स्पीक, अगर हम चाह रहे हैं कि हम बोलना शुरू करें, मैं किसी आपका जैसे पढ़ाना स्टार्ट कर रही हूँ, मैं टॉपिक बोलना स्टार्ट कर रही हूँ, तो हमारे ब्रेन को सिग्नल जो है वो मिलता है, या द ब्रेन सिग्नल्स द मिडल ईयर, ब्रेन ने हमारे मिडल ईयर को सिग्नल दिया, मिडल ईयर की मसल को सिग्नल दिया कि अभी उसको कॉन्ट्रैक्ट होना है। जैसे क्योंकि मैंने बताया था आपको स्टैपिडियस का यही काम होता है कि वो हमारे ओन साउंड जब हम खुद बोल जब रहे होते हैं, बोलने की शुरुआत कर रहे होते हैं, तो उससे पहले स्टैपिडियस जो है वो कॉन्ट्रैक्ट होती है। तो कैसे होती है? जैसे हम बोलना स्टार्ट करते हैं, हमारा ब्रेन हमारे मिडल ईयर मसल्स यानी स्टैपिडियस को सिग्नल देता है और वो कॉन्ट्रैक्ट हो जाती है, जो जिसका क्या असर पड़ेगा, डैम्पनिंग द सेंस ऑफ हियरिंग इन कोऑर्डिनेशन विद द साउंड ऑफ आर ओन वॉइस। तो हमारी हियरिंग का सेंस जो है वो डैम्पन हो जाएगा, और कोऑर्डिनेशन बैठ जाता है हमारी खुद की वॉइस के साउंड के साथ में हमारा। मतलब हम अपने वॉइस के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं, शुरू अपना बोलना स्टार्ट करें उससे पहले ये प्रोसेस हो चुका होता है। ऐसा नहीं कि हमने बोलना स्टार्ट कर दिया और अभी कोऑर्डिनेशन नहीं बैठा और हमारे कान तैयार ही नहीं थे उस आवाज़ को सुनने के लिए, तो ऐसा कभी नहीं होता। और ये कभी नहीं होता कि आप बोल रहे हो और आपको खुद को पता नहीं चल रहा आप क्या बोल रहे हो, आपको पता चलता है जनरली अगर आपका दिमाग काम कर रहा है तो, क्योंकि आपका ब्रेन ही सिग्नल भेज रहा होता है आपके मिडिल ईयर की मसल्स को कि इस समय कॉन्ट्रैक्ट होना है, और हियरिंग का सेंस उसको डैम्पन हो जाएगा, जिससे कि आपकी खुद की वॉइस के साउंड के साथ में आपका कोऑर्डिनेशन बैठ जाएगा। दिस मेक इट पॉसिबल टू हियर अदर पीपल वाइल वी आर स्पीकिंग आवरसेल्फ्स। तो अगर हम खुद से बात कर रहे हैं तो हम दूसरे लोगों को भी सुन सकते हैं मीनवाइल ही। तो ऐसी जो स्पेसिफिसिटी है, इतना अच्छा जो फंक्शंस है वो आपका मिडल ईयर कर रहा होता है। तो ये तीन फंक्शंस हमने आज की क्लास में पढ़े। आज की क्लास हमारी थी फिजियोलॉजी ऑफ मिडल ईयर, हमारे को मिडल ईयर की फिजियोलॉजी पढ़नी थी, क्योंकि अभी हम सबकी फिजियोलॉजी पढ़ेंगे। आउटर ईयर की फिजियोलॉजी हमने आउटर ईयर की एनाटॉमी के साथ में ही पढ़ ली थी, उसमें अलग से हमें कुछ और पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। मिडल ईयर की फिजियोलॉजी हमने आज पढ़ ली, जिसमें हमने कहा मिडल ईयर में दो ही तो स्ट्रक्चर्स, ये तो हमने एनाटॉमी में पढ़ा कि ऑसिकल्स और मसल्स, ये दो मेन स्ट्रक्चर हैं जो कि ओवल विंडो तक साउंड को भेजने का काम करती है। ये फिजियोलॉजी हमने जनरल पढ़ ली थी अपनी एनाटॉमी वाली क्लास में। फिजियोलॉजी के अंदर हमारे को क्या पढ़ना है कि फंक्शंस क्या कर रहे हैं, तो तीन तरह के फंक्शंस ये कर रहे थे। पहला मिडल ईयर का काम है कोऑर्डिनेशन ऑफ एनर्जी, दूसरा मिडल ईयर का फंक्शन है प्रोटेक्शन ऑफ इनर ईयर, और थर्ड फंक्शन है कोऑर्डिनेटिंग स्पीच विद हियरिंग। कोऑर्डिनेशन ऑफ एनर्जी में जो साउंड आपके आउटर ईयर से ईयर ड्रम तक आ रहा है, उस ईयर ड्रम से वो उस साउंड की एनर्जी को आपका मिडल ईयर कॉन्सनट्रेट करता है, ताकि फोर्सफुली वो ओवल विंडो तक उसको भेज सके, और ओवल विंडो से फिर वो साउंड आगे ट्रैवल हो सके। ये पहला फंक्शन था। दूसरा फंक्शन था प्रोटेक्शन ऑफ इनर ईयर, कि जब कोई लाउड साउंड आता है तो आपके ईयर ऑसिकल्स और उससे जुड़ी हुई जो दो मसल्स है, टेंसर टिम्पनाई और आपकी स्टैपिडियस, ये दोनों साथ में वर्क करती हैं कि टेंसर टिम्पेनाई खींच लेंगी ईयर ड्रम को अंदर की तरफ,
और स्टेपिडियस जो है अपना वाइब्रेशन, अपना जो वो हिलने वाला उसका प्रोसेस था, जो मूवमेंट था, वो उसको स्लो कर लेती है। और ये दोनों साथ में वर्क कर रहे हैं, इसलिए इसको अपन टिम्पैनिक रिफ्लेक्स कह देते हैं। और इससे आपका जो मिडल ईयर का जो हेयर सेल्स वाला पार्ट है, इनर हेयर सेल्स वाला पार्ट जिसके साथ स्टीरियोसीलिया जुड़ा हुआ है, वो डैमेज नहीं हो पाता जब ये टिम्पैनिक रिफ्लेक्स काम कर रहे होते हैं। पर ऐसा भी केवल तब होता है जब आप कभी कभार थोड़ा बहुत लाउड साउंड सुन रहे हैं। अगर आप दिन रात लाउड साउंड ही सुन रहे हैं, गन शॉट जैसे साउंड सुन रहे हैं, या फैक्ट्री में आप काम कर रहे हैं, तो आपका इनर ईयर, आपका मिडल ईयर जो है वो डैमेज हो सकता है और आपको परमानेंट हियरिंग लॉस हो सकता है। तीसरा फंक्शन था कोऑर्डिनेटिंग स्पीच विद हियरिंग, जिसमें आप जो बोल रहे हैं आपको अपने ही वॉइस के साथ में दूसरी वॉइस भी सुनाई दे और आपको आपकी खुद की वॉइस भी सुनाई दे। इसमें कोऑर्डिनेशन जो है वो आपका मिडल ईयर ही कर रहा होता है, कि जैसे ही आप बोलना शुरू करते हैं ब्रेन सिग्नल भेजेगा मिडल ईयर की मसल्स को, वो कॉन्टैक्ट हो जाएंगी और हियरिंग के सेंस को डैम्पन कर देगी, जिससे कि आप अपने खुद की वॉइस के साउंड के साथ में कोऑर्डिनेशन बिठा सकते हैं। और अगर मीन वाइल कोई दूसरा पर्सन भी बोल रहा है तो आप उसकी खुद की, उस दूसरे पर्सन की भी साउंड अपनी खुद की साउंड के साथ में सुन सकते हैं। इसके साथ में मिडल ईयर की फिजियोलॉजी यहीं पे हम ख़त्म करते हैं। आपको कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, अपने क्वेश्चंस लिख करके मुझे भेज सकते हैं। थैंक यू क्लास, थैंक यू सो मच।